नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल तारा आर्या व्लॉग्स में। और अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं। मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है और मैं अब अंदर की लिपाई करने वाली हूँ। मम्मी बर्तन धो के लेके आ रही है। ये हमारी लाली है। हमारे घर के आगे से मुक्तेश्वर महादेव का मंदिर दिखता है सामने पे। ये लिपाई करने के लिए सबसे पहले मैं करूँगी गर्म पानी, क्योंकि ठंडे पानी से लीपने की मुझे हिम्मत नहीं है। और इसके बाद मुझे गोबर इकट्ठा करना है और उसमें मिट्टी मिलाऊंगी। हमारे घर में अभी गोबर कम हुआ है, इसलिए मैं सुहानी लोगों के घर से लेके आने वाली हूँ गोबर। वहाँ सामने पे कीर्तन भजन लगे हैं। गोबर लेने के लिए ताई लोगों के घर परात लेके। ये ताई घास काट रही है। ये गन्ने का जैसा लग रहा है ये घास है। ताई बोल रही है ये गन्ना ही लगाया है करके, लेकिन पहाड़ों में ऐसे लगता नहीं है, पर ये पता नहीं कैसे लग गया, इतना बड़ा हो रहा है। ये ताई लोग के घर के आगे से इतने अच्छे फूल लगे हैं और ताई घास काटने में मस्त है। वो मंजू दीदी बैठी है सामने। सुहानी कहाँ? बैंड बाजा बजा रही है फरहाद में, उसको भी उठाना है गोबर। सुहानी कह रही है जैसे ही आई है इसने हमारा जीना हराम किया है, ये वीडियो बनाना हमारे यहाँ का पानी बर्बाद जा रहा है। कद्दू की बेली बेल दिख रही है, इसमें कद्दू तो दिख नहीं रहे कहीं। और यहाँ है ये, इसमें लगे हैं कद्दू। ये है कद्दू, इसमें कद्दू लगे हैं। और एक सामने पे है ये और भी बहुत सारे लगे हैं। ये पीला होने लग गया है क्योंकि ये खाया नहीं होगा जब हुआ था। यहाँ नाकखनी हो रही है बहुत सारी। ये कहते हैं
और ये सुहानी लोगों के नींबू हैं। ये पहले बहुत ही ज़्यादा फल आता था, अब थोड़ा कम हो गया इसमें फल आना। ऊपर दिखा रहे हैं मुझे, नीचे भी लगे हैं नींबू। कितने नीचे तक लगे हैं नींबू ये सब। यहाँ से नीचे ऐसा दिखता है। अब मैं लेके जा रही हूँ गोबर, पहले लीपने का काम कर रही ये गोबर में मिलाने के लिए लाल वाली मिट्टी है, इसमें एक भी पत्थर नहीं है अंदर से, देखिए। अभी इसमें पानी डालूंगी तो सारी मिट्टी पिघल जाएगी, जितनी ठोस दिख रही है ऐसा कुछ भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छा कलर देती है ये मिट्टी। यहाँ से थोड़ा दूर 1 किलोमीटर दूर जाके हम ये लेके आते हैं मिट्टी, ये वाली। मिट्टी तो ऐसे पहले ही भिगा लेते हैं, लेकिन मुझे ध्यान नहीं रहा मिट्टी भिगाने का, मैं बाद में भिगा रही हूँ। तो इसको मैं गर्म पानी में डालूंगी तो जल्दी भीग जाएगी। ये गर्म पानी डाल रही हूँ इसमें, जल्दी भीग जाएगी मिट्टी। और मैं डेग में फिर से गर्म पानी रख दूंगी। ये है हमारा रूम। अभी मैंने ये लीपना है, पहले मैं नीचे चटाई उठाती हूँ और उसके बाद लीपूंगी। पानी का कलर ऐसा गाढ़ा हो गया है, ये लाल कलर का। ये मैं मिक्स करने लग गई हूँ गोबर और मिट्टी। तो फाइनली मैंने लीप लिया है और आप लोग देखेंगे कि लीपने के बाद कैसा लग रहा है। ये देखिए, और ये रसोई अभी सूखी नहीं है मिट्टी, मैंने ऐसे ही वीडियो बना ली। ये तो ये था मेरे आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।